ये सेट कर दें थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात की जा रही है और हर कोई आई थिंक उसी के बारे में बात कर रहा है। आज हम उसी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बल्कि उससे जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टिक टू दिस वीडियो। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की एक मेंबर, एक रुकन, एक सदस्य, उनका नाम है नूपुर शर्मा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में कुछ कहा, उनके खिलाफ कुछ कहा या उनकी तौहीन की। इसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया और आजकल इसी के बारे में न्यूज़ चल रही है। द फैक्ट इज़ दैट आई हैव सीन समथिंग रियली इंटरेस्टिंग इन दैट कि इस चीज़ के बारे में हर किसी ने ट्वीट किया है, रिएक्शन दिया है। बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं जो इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर है जिस पे किसी ने नोटिस नहीं लिया, मे बी यंग जनरेशन ने भी नहीं। आई नो मुसलमान जहाँ पे भी हैं सबको ये बात बहुत बुरी लगी है एंड सभी एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे इकट्ठे हुए हैं। इट्स फील्स रियली ग्रेट राइट, बट देयर इज समथिंग जो कि किसी ने भी नोटिस नहीं की एंड नोबडी एक्चुअली वांट टू पे फोकस ऑन दैट। कोई भी इस पे फोकस करना ही नहीं चाहता। अब उसकी रीज़न क्या है और क्यों उस पर फोकस नहीं किया जाता, लेट्स थिंक अबाउट इट। बिकॉज सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली जैसे कि सबको इजाज़त है अपनी बात करने की। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रियल फॉर नाउ। आप ट्विटर देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, आप यूट्यूब देख लें, आप गूगल पे देख लें, सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़, बिकॉज समथिंग इज़ गेटिंग वायरल नाउडेज। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के बारे में कुछ बोला है। दैट इज़ रियली बैड एंड ऑब्वियसली इट इज़ बैड एंड नोबडी हैज़ राइट टू से एनीथिंग अबाउट द रिलीजन, स्पेशली व्हेन वी आर नॉट सेइंग समथिंग। फिर कहा यह जा रहा है कि आपके रिलीजन में ये सिखाया जाता है कि किसी को गलत बोलें। लिटरली आई वांट टू से कि इस्लाम में आप कहीं पे भी देख लें, कोई चीज़ आप फोकस करना चाहते हैं, बट देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप किसी के रिलीजन को बुरा कहें। और जो चीज़ें वहाँ मेंशन की जाती हैं कि टेम्पल्स को तोड़ना वगैरह वगैरह वगैरह, देयर आर सो मेनी थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस राइट नाउ, बट लीव इट बिकॉज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग एल्स दैट इज नीड टू इम्पोर्टेंट। अब नूपुर शर्मा के केस में सबने केस उठा तो दिया, सभी इस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड हैं कि क्या होने वाला है। about the youngsters and everyone who is going doing the tweets, sharing this information on YouTube and social media. बहुत बुरा जी, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर अगर किसी ने गुस्ताखी की, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। That's really good. I do appreciate it. लेकिन क्या आपको लगता है कि जस्ट कोई भी अगर ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, कोई भी अगर इस तरह के मामला चल रहे हैं, उनको सपोर्ट करने से यू विल प्रूव दैट यू आर रियल फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, यू आर डूइंग द एग्जैक्ट राइट थिंग दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टोल्ड यू टू डू। हालांकि इफ यू गो ऑन टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, एनी प्लेटफॉर्म, अफसोस का आलम यह है कि जब कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है, पीपल थिंक कि ये तो जिहाद के बराबर है, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे स्टेप लेना चाहिए, लोग लेते हैं। पर जहाँ पे एक्चुअल जरूरत होती है आपकी रियल लाइफ में, जरूर जाते हैं। ऑनेस्टली बताएं कि कितनी बार आप ये बात सोचते हैं कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ या जो मैंने एक्ट किया है, दैट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ही टोल्ड अस, दैट अकॉर्डिंग टू दिस थिंग दैट वी आर अलाउड टू डू इन इस्लाम। मे बी सब लोग करते हैं, ठीक है, मैं ये बात नहीं करी कि कोई भी नहीं करता, मे बी आप लोग करते हो एंड दैट्स वेरी गुड अगर आप लोग करते हैं। बट जो बात है कि एक काम करके हाथ धो लेना, दैट इज रॉन्ग। मैं आपको लिटरली एक बात बताऊं कि शैतान जो है वो सिर्फ आपको इस तरह मिसगाइड नहीं करता कि आप तो बहुत बुरे हैं या आपने बहुत गलत काम किया है, वो आपको इस तरह भी वर्गलाता है कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, आपसे बुरा तो कोई अच्छा है नहीं। मतलब पूरे साल में आपने जितने काम करने हैं, नफ्स के रास्ते पे चलना है, चलें। बिकॉज ट्रेंड्स आते रहते हैं, ट्रेंड्स का क्या है, यहाँ पे आपने सपोर्ट किया, यू आर जस्ट लाइक ओके विद एवरीथिंग, आपको फर्दर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सारी बात करने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उस बात को गलत करें कि जो हुआ वो सही था, वो बिल्कुल गलत था। It is something that shouldn't be happen. But with that, I just want you to point out on something कि just ये कह देना कि मैं आशिक रसूल हूँ या इस तरह की सिचुएशन में ट्वीट कर देना, स्टेटस शेयर करना, it's something that not actually represent like you are doing so. लोगों ने आपको रिवार्ड नहीं देने, जो रिवार्ड देने वाली जात पाक है वो अल्लाह है, और उसके अहकामात पे अगर आप वर्क करते हैं on daily basis without showing someone else कि जी मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, that's how you're gonna get rewards in the akhirah and that is ultimate home we are preparing ourselves for. आपको वो सब चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम अगर आप ख़ुद को आशिक रसूल कहते हैं, आपको उन अहकामात का भी, उन हदीस का भी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कही हैं, हमें बताई हैं। दैट्स समथिंग कि आपको लाइफ में कैसे रहना है, रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल करने हैं, आपने बिजनेस में कैसे एक्ट करना है, आपको एज अ स्टूडेंट कैसे एक्ट करना चाहिए, एज अ डॉटर, एज अ सन, एज अ फैमिली, व्हाटएवर इट इज़। इस्लाम इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ कीपिंग यू इन लिमिट्स, इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लिविंग एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट by keeping yourself in the limits of Islam, and that you can just do by having belief in Allah, then whatever you're going to do, you will get rewarded in Akhirah. Stay blessed and keep working on yourself because life can end anytime.